के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर क्षेत्र के 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मुख्य चुनाव अधिकारी ने लिया जायजा। कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, भारत माता के गौरव को बचाने के लिए हो रहा है लोकसभा चुनाव, यूपी में जीतेंगे 73+ सीटें। लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए नगर निगम से निकाली गई जन जागरूकता रैली। नगर आयुक्त ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अवश्य करें मतदान। राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने कहा, मोदी जी की लहर नहीं चल रही है सुनामी, गठबंधन की कोई हवा नहीं है बल्कि वो हो चुकी है हवा। ICSE ISC परिणाम 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 98.54% छात्र छात्राएं सफल। अपनी सफलता का राज खोला सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र छात्राओं ने। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने किया रोड शो। लोगों से अपनी जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। कहा, केंद्र में एक बार फिर बनाए मोदी सरकार। 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए यातायात विभाग ने वाहनों पर लगाया पोस्टर। SP ट्रैफिक ने कहा, लोकतंत्र के इस पर्व में निभाएं अपनी सहभागिता, अवश्य करें मतदान। BSP से BJP में आए पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर राम समुज ने कहा, अस्थायी सरकार की संभावना के लिए लड़ रहा है गठबंधन। किया शेड्यूल कास्ट के लोगों से आह्वान, मजबूत सरकार के लिए मोदी को दें अपना वोट। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार। मुहिम के तहत महिलाओं और पुरुषों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से मतदान करने की किया अपील। भारतीय विद्वत महासंघ ने धूमधाम से मनाया परशुराम जयंती। मंत्र उच्चारण कर किया नमन, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। लोकसभा चुनाव में मात्र शक्तियां मतदान कर दिखाएं अपनी ताकत के स्लोगन के साथ निकाली गई जन जागरूकता रैली। और रमजान माह के पहले रोजे पर इमामबाड़ा गेट पर आयोजित हुआ रोजा अफ्तार का कार्यक्रम, मुस्लिम समाज के लोग रहे शामिल।